हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई गुरुकुल एजुकेशनल चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो क्या है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो अभी अगर आप बात सर्च कर रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें, देखिए जो कॉलेज है एक प्राइवेट कॉलेज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2008 में इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर अप्रूवल्स की बात करें तो आपका AKTU अप्रूव्ड है, PCI, AICTC, BTE के थ्रू ये कॉलेज अप्रूव्ड है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका MBA हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो गया, और उसके साथ साथ BTEC भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, फीस की बात करें तो MBA का जो फीस है फर्स्ट ईयर का आपको 60,000 देखने को मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का फीस 60,000। एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे एडमिशन दोनों प्रोसेस में मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, इंटेंस बेस्ड एडमिशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप दोनों प्रोसेस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। डी फार्मा की बात करें तो यहाँ पे आपको बी फार्मा का जो फीस है वो 75,000 फीस है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, 10+2 आपका होना चाहिए, UPSEE के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है बी फार्मा में। ठीक है, और बात करें यहाँ पे बी फार्मा की, तो बी फार्मा में बहुत सारे मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे एडमिशन के लिए दोनों प्रोसेस होता है, डायरेक्ट और इंटेंस बेस। तो अब हम बताते हैं कि कौन से कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है और कौन से कोर्स में आपको इंटेंस के थ्रू। तो बात करें आपका डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में 10+2 मतलब 10th के बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको UPSEE के थ्रू एडमिशन मिलेगा। MBA में आपको 50% से ऊपर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे। और बात करें तो डिप्लोमा में मैंने बता दिया था कि 10 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और प्लेसमेंट का यार खास मुझे कोई रिकॉर्ड यहाँ पे मिला नहीं। ठीक है, तो मैं प्लेसमेंट पे अपना कोई भी ओवरव्यू नहीं देना चाहूँगा, और प्लेसमेंट के लिए आप अपना खुद रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी सीनियर्स हैं उनसे बात करके आप एक बार जरूर पूछें इस कॉलेज के बारे में। ओवरऑल मुझे जो कॉलेज लगा एक एवरेज कॉलेज लगा, ओवरऑल नॉर्मल कॉलेज लगा, बहुत खास कुछ नहीं लगा देखने को। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी फीडबैक है। ठीक है, आप लोग इस कॉलेज के बारे में जरूर रिसर्च करें। ठीक है, और जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं अपने वेबसाइट पे देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। www.skygurukul.com पे पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें स्कॉलरशिप को, देखो जो स्कॉलरशिप आपका गवर्नमेंट का होता है, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का, वो स्कॉलरशिप आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और कॉलेज का कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि नहीं है ये कोई भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे नहीं मिला अभी तक मुझे। ठीक है, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाटा अभी तक मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई भी डाटा आता है तो मैं आपको वेबसाइट पर अपडेटेड मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहना खास कर रखिएगा। जय हिंद।